हाँ भाई, तो मैं पहुंच गया अस्कॉट, जो मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मतलब अभी बीच रास्ते में पहुंच गया हूँ। यहाँ एक्चुअली अभी यहाँ से आई थिंक 20 से 25 किलोमीटर का भी डिस्टेंस बाकी है, और मैंने रास्ते में शूट इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं अभी इस बार मुझे कोई हिचहाइकिंग के थ्रू नहीं आया। मैंने एक पब्लिक कन्वेंस यूज़ किया है इस बार, आपका जो मतलब बड़ी वाली है, मैक्स वाली जो कार्स होती है ना, मैंने वो यूज़ की है। तो इस बार इसलिए मैं रास्ते में कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। इस बार कोशिश करूँगा कि मैं कुछ दिखा पाऊँ। ये सामने वाली जो आपको गाड़ी दिख रही है ना, ये मैक्स, इसी में एक्चुअली मैं आया हूँ। ये एक पब्लिक कन्वेंस है तो मैं रास्ते में शूट नहीं कर पाया अस्कॉट के लिए। अभी मेरा जो प्लान है वो अस्कॉट मस्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, बट देखता हूँ कि अगर रास्ते में मुझे पता चल जाएगा एक्चुअली क्या वो देखने लायक जगह है कि नहीं। अगर मुझे लगा कि वो नहीं है तो फिर मैं हो सकता है कि आगे बढ़ जाऊँ, आगे निकल जाऊँ कहीं। तो मतलब श्योर नहीं है कि मैं अस्कॉट तक ही जा रहा हूँ, बट अभी सोच के रखा है कि हाँ अस्कॉट तक ही जा रहा हूँ। बाकी कुछ व्यूज़ कुछ इस तरह से हैं यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो। यार एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे पिथौरागढ़ में, मतलब ऐसा, मतलब आपको हर चीज़ मिल जाएगी यार। मतलब काफ़ी डेवलप एरिया है पिथौरागढ़। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इजीली आपको खाने के लिए भी कुछ भी, या फिर कोई भी जनरल चीज़ें कुछ भी आपको बड़ी इजीली मिल जाती हैं। काफ़ी वेल डेवलप है बाकी सिटीज़ के मुकाबले, पूरा का पूरा पिथौरागढ़ ही। मतलब कनेक्टिविटी अच्छी है और सारी चीज़ें लगभग अच्छी हैं यार। आपको होटल्स, रेस्टोरेंट, छोटे मोटे ढाबे सब ईज़िली मिल जाते हैं बाकी जगहों के मुकाबले। चलो अब मैं देखता हूँ मैं कितनी देर में पहुँचता हूँ, ठीक है? फिर मैं बताता हूँ आपको। अस्कॉट पहुंच गया हूं मैं, और पहले सोचा था कि स्किप कर दूं बीच में, मेरा मन आया। फिर मैंने सोचा चलो अब आ ही गए तो आ ही जाता हूं। तो एक है यहाँ वीर चंद, ये जो जिसका गेस्ट हाउस है, ये गेस्ट हाउस है वीर चंद सिंह गढ़वाली करके हैं, उनका गेस्ट हाउस है। तो वहाँ रुका हूँ, मतलब ठीक है यार, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग बढ़िया है। मतलब ये रुकने के लिए जगह है, अच्छा है, मतलब बुरा नहीं है, 300 रुपये में है यार, ठीक है। और ये कुछ यहाँ से, मतलब और कोई ऑप्शन भी नहीं था ना अपने पास यहाँ पे। और ये कुछ बाहर का व्यू है यहाँ से, हाँ। चलो फिर मैं लंच करता हूँ, हाँ। ये नीचे से वहाँ से ट्रैक करते हुए आया हूँ यहाँ तक, और अभी करीबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुझे बताया किसी ने 600-700 मीटर आगे है, और पर यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा आ रहा है। मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को दिखाना चाहिए। वो सामने वाली पीक देख रहे हो, बिल्कुल शायद इसमें दिख नहीं पा रही होगी क्योंकि जूम नहीं है, ऑप्शन नहीं है अपने पास। वहाँ पे ऊपर वाले हिस्से पे बादल छाए हुए हैं और बर्फ़ भी पड़ी हुई है ऊपर, वाइट वाइट दिख रहा है। हम जा रहे हैं अस्कॉट मस्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मैंने पढ़ा था जिस बारे में, अब उसे देखने जा रहे हैं।
ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आगे है ना, फॉरेस्ट फॉरेस्ट। हाँ बस बस थोड़ा आगे है। कितना आगे होगा? आप शॉर्ट चले जाते हैं ना यहाँ से तो लंबा पड़ेगा। अच्छा अब आपको रोडी रोड जाना पड़ेगा ना, वहाँ से शॉर्ट था जहाँ पर मंदिर था। अच्छा मंदिर से शॉर्ट था ऊपर ऊपर। हाँ यहाँ से कितना दूर होगा? यहाँ से थोड़ा लगेगा। फिर भी जो वो घर दिख रहा है ऊपर, वो ऊपर वाला घर। एक एक ये है, फिर यहाँ से बेंड है, फिर उधर है, फिर बेंड है, तब जाके लगेगा। मतलब 1-2 किलोमीटर? ना ना ना, एक एक किलोमीटर 1 किलोमीटर। चलिए थैंक यू भैया। ये भैया बोल रहे हैं कि 1.25 किलोमीटर है। चलो ये पहुंच गया जी मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये फॉरेस्ट ऑफिस आपका। अभी मैंने कंफर्म किया फॉरेस्ट ऑफिसर से, मैंने कोई जानवर वानवर दिखेगा? बोला कि उन्होंने जानवर वानवर तो नहीं दिखेगा, बाकी आप घूमाओ ऐसे ही। तो थोड़ा सा आगे तक चल रहे हैं हम, वहाँ कुछ देर बैठेंगे और एक अच्छी सी लोकेशन ढूंढ के वहीं कुछ फोटो शूट वगैरह कर लेंगे। नीचे से जाना पड़ेगा, एक रास्ता है। अच्छा ओके। तो ये है अस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी अस्कॉट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मतलब कि जो मस्क डियर होते हैं वहाँ पाए जाते हैं, बट चांसेस बहुत कम होते हैं। ये नीचे रोड है हमारी तरफ। ये एक जगह है शायद डीडी हाट, ये शायद वहाँ के लिए जा रहा है, श्योर नहीं हूँ मैं, बट हाँ पाँच छः दिन क्या हो गया, अब तो आदत हो गई है थोड़ी थोड़ी करके। पहले जैसे ऊपर चढ़ता था ना तो सांस फूलने लगती थी,
मतलब इससे पहले भी काफ़ी बार मैं चढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है कि पहली बार है, बट अब 4-5 दिन से थोड़ी आदत बन गई है। ये दो रास्ते जा रहे हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं इस तरफ। ओके हाँ अंकल बिल्कुल बना दूंगा बिल्कुल। ये एक पीक है, इस पे चढ़ रहा हूँ, ऊपर मंदिर भी है। फाइनली पहुंच गया पीक पे। ये अस्कॉट शहर, और सामने झील है जो कि शारदा नदी में मिल जाती है। मतलब नदी है, ये भी कोई झरना है, पता नहीं क्या है, एक स्ट्रीम है। और ये मंदिर है, जय भोलेनाथ। और ये जिस जगह पर हूँ मैं, ये है अस्कॉट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वो बात अलग है कि अभी तक कुछ दिखा नहीं है ऐसा। ये सामने अस्कॉट शहर, ये मंदिर, और ये अस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये है मेरे सामने अस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि
कोई भी जानवर नहीं है फिलहाल तो। वैसे एक चीज़ तो नोटिस करी मैंने, यहाँ जो मिट्टी है वो काली है, इसलिए शायद इसको काली कुमाऊँ बोलते हैं आई थिंक। सारा जंगल है पूरा, चलो वापस निकलते हैं यार। हाँ ये टमाटर है या संतरा है मुझे भी नहीं मालूम है। क्या अंकल ये टमाटर है संतरा है? अच्छा संतरा है, मौसमी। ओके इस बार शॉर्ट रास्ते से निकल रहे हैं हम। नहीं नहीं भैया रहने दीजिए, थैंक यू। खा लेना रास्ते में, बहुत है। थैंक यू। मैं डाल देता हूँ। ये नीचे रास्ता ना, ये वाला? नहीं नहीं यहाँ पर से आओ ना। कहाँ से? ये तो खाली खेत है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये संतरे दिए अंकल ने। अच्छा ये ऐसा ऐसा नीचे, मतलब यहाँ से ऐसे जाओ, ये नीचे रोड पे आ जाऊंगा। हाँ ये नीचे रोड में आ जाओगे यहाँ पर। ठीक है भाई, ओके भाई, फॉरेस्ट आओ। ओके भैया थैंक यू यार। अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर एक फैमिली के साथ बैठा था मैं, मतलब बिल्कुल एकांत में। काफ़ी मज़ा आया, मतलब काफ़ी हेल्प की उन्होंने मेरी। ये शॉर्टकट है, मैं इससे जा रहा हूँ। शॉर्टकट नहीं मतलब खेतों का रास्ता है।
ओके भैया ऐसे निकल जाएंगे नीचे ऐसे ओके थैंक यू ये पहुंच गए हम जौल जीबी ये भी एक बॉर्डर है इंडिया और नेपाल का यहाँ पर एक आगे पुल है तो हम उस तरफ जा रहे हैं ये है सामने काली नदी जो कि इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है और यहाँ पर देखते हैं ये ऊपर वाला ब्रिज है ये इसी ब्रिज से होते हुए नेपाल जाया जाता है ये काली नदी ये इसके सामने की तरफ ये नेपाल है और मैं जहाँ खड़ा हूँ वो इंडिया में ये ऊपर वाला पुल है जो वहाँ से ये झूलता हुआ जा रहा है तुम्हारे नेपाल की तरफ अभी ऊपर गया था मैं अथॉरिटीज़ के पास वहाँ पे अपना अपनी SSB तैनात है वहाँ पे तो उनसे मैंने पूछा कि अलाउड है वहाँ जाना तो उन्होंने बोला कि अभी एक्चुअली कोरोना के बाद तो ये वाला पुल मतलब मोस्टली बंद ही रहता है जब वहाँ से सामने से ऑर्डर आता है खुलने का तो जब ही खुलता है मतलब ऐसा इतना स्पेसिफिकली नहीं खुलता जैसे धारचूला में ओपन होता है पुल कि आप इधर उधर जा सकते हो थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं तो उन्होंने मना कर दिया मैंने भी मान लिया मैंने कहा यार अथॉरिटीज़ की बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे बाकी मैं यहीं से आप देख लीजिए व्यूज़ ये इसको काली नदी बोलते हैं पता नहीं क्यों बोलते हैं पानी तो इसका बड़ा ही नीला लग रहा है यार हरा हरा और ये हैंगिंग सस्पेंशन ब्रिज सा है कुछ कुछ इसमें चलते हुए हिलता होगा ये पानी का बहाव बड़ा अच्छा है यार
हाँ, ये ऊपर से व्यू है इस गांव का, जो कि एक बॉर्डर विलेज है जौलजी भी। ये सामने जो वाली पहाड़ी है, नदी क्रॉस करके, ये नेपाल है। और वो सामने आपका सस्पेंशन ब्रिज है एक तरह का, जो हिलता डुलता है, जो कि प्रशासन की जब दोनों तरफ से रजामंदी हो जब खुलता है। और बाकी देख लो आप लोग।